नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के। दोस्तों आज हम डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट का एनालिसिस करेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट आज का जो मार्केट रहा वो थोड़ा दबाव देखने को मिला, मगर एक ब्रेकआउट यहाँ पे ले लिया गया है। देख लीजिए, 3-4 कैंडल रेड कैंडल बनाया गया था, उसके बाद में ना एक अच्छा सा ब्रेकआउट लिया। साइडवेज मोमेंटम लेने के बाद में जब ब्रेकआउट होता ना तो उसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ना परफेक्ट कंफर्मेशन मिल जाता है। और अब कंफर्मेशन जो मिल रहा है वो हमको सीधा 4100 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। ये 4000 का कल का लेवल जो है कल तोड़ के शायद 4100 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का जो मार्केट क्लोज हुआ था उसमें भी देखो जाते जाते वक्त भी ना 285 क्वांटिटी शेयर्स ना पहले से बाहर की तरफ रखा हुआ था। मतलब कल का जो मार्केट खोलेगा तो कल पहले से थोड़े लॉन्ग पॉजिटिव पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ जो है, आज का जो टोटल वॉल्यूम रहा वो 2,23,000 शेयर्स की थी NSE का, उसमें से जो है 1,42,000 शेयर्स डिलीवरी हुई है, मतलब कितना हो गया, 63% का हुआ है। तो डिलीवरी बेसिस ना आज का मार्केट दबाव में रहने के बावजूद भी ना डिलीवरी बेसिस अच्छा रहा, 63% का रहा, तो एक तरह से दबाव वो को कल ना ख़त्म कर देगा। और 4000 तक का तो देखने को मिल सकता है, 4000 से लेकर 4,41,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, 22 साल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।